आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे मैच में आउट को भी नोट आउट दे बैठे थर्ड एम्पायर। बताएंगे आपको पूरी खबर, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल आरसीबी की पारी के 8वें ओवर में जब रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में देवदत्त पडिगल पूरी तरीके से चूक गए। इसके बाद केएल राहुल और बाकी खिलाड़ियों ने अपील की लेकिन एम्पायर ने पडिगल को नॉट आउट दे दिया। गेंद पडिगल के बल्ले और ग्लव्स के काफी करीब से होकर गुजरी थी जिसको विकेट कीपर केएल राहुल को लगा कि गेंद उनके बल्ले को छूकर गुजरी है, जिसके चलते उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए डीआरएस ले लिया। इसके बाद जब थर्ड एम्पायर ने रिप्ले में देखा तो ये साफ देखा जा सकता था कि गेंद पडिगल के ग्लव्स को छूकर राहुल के दस्तानों में गई थी। ऐसे में सभी को लगा कि एम्पायर उन्हें आउट दे देंगे लेकिन थर्ड एम्पायर के इस फैसले ने सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया और देवदत्त पडिगल को नॉट आउट करा दिया, जिससे न केवल राहुल निराश दिखे बल्कि क्रिकेट कमेंटेटर भी जो है इस टेक्नोलॉजी पर सवार उठाते हुए नजर आए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर थर्ड एम्पायर को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिससे निराश फैंस शेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि थर्ड एम्पायर का ये फैसला सही था या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी आईपीएल से जुड़ी और तमाम वीडियो के लिए।